खबर धौलपुर से, जहां पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 45,000 के इनामी डकैत रामविलास गुर्जर और 35,000 के इनामी डकैत रघुराम गुर्जर सहित दो अन्य डकैतों को गिरफ्तार किया है। जंगल में मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किए गए डकैतों के कब्जे से पुलिस ने दो राइफल, दो देशी तमंचे और 90 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। डकैत रामविलास गुर्जर और रघुराज गुर्जर राजस्थान के टॉप 10 अपराधियों में शामिल हैं। धौलपुर पुलिस द्वारा जो दस्युमुक्त बीहड़ अभियान जो चलाया जा रहा था, उसी क्रम में जो है लगातार हमारी टीम ने मेहनत करते हुए कल रात एक अच्छी सफलता हासिल की है। जरिए मुखबिर हमें एक सूचना मिली थी कि डकैत रामविलास अपने गैंग के साथ, सदस्यों के साथ में जो है चचोकर की घाटी में मौजूद है। उसके बाद में जो है SHO बसीडांग द्वारा वहाँ पर रेकी करवाई गई। रेकी करवाने के उपरांत जब उनकी उपस्थिति सुनिश्चित हो गई, उसके बाद में जो है अन्य हमारी QRT टीम, RAC कमांडो टीम, सभी का बैकअप बुलाया गया और SHO पाड़ी सदर, SHO मनिया, DSC टीम इंचार्ज सभी को मौके पर भेजा गया। घेराबंदी सुनिश्चित की गई, चूँकि जो है अच्छी चांदनी रात थी तो विजिबिलिटी अच्छी थी रात्रि में, तो उससे जो है घेराबंदी हमारी मजबूत हो सकी। मजबूत घेराबंदी होने के बाद में जब डकैतों को पुलिस की मौजूदगी का एहसास हुआ, उसके बाद में जो है आपस में डकैतों और पुलिस के मध्य फायरिंग हुई है। कुल लगभग 60 से ज़्यादा राउंड जो है दोनों के आपस में फायरिंग हुई। फायरिंग के उपरांत जो है पुलिस, हमारी जो टीम थी वो उनको गिरफ्तार करने में सफल।